वेलकम टू अखंड विद्याश्रम, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पिरिकल विजडम. समुद्र मंथन, सागर मंथन, द जर्नी ऑफ प्राइमर्डियल ओशन. मेरा धर्म अखंडता, इम्पेकेबल विजडम. माय ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, अनमोल आविष्कार, दिव्यंक, जिसके साथ सृष्टि के सारे परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं. पिछले वीडियो को सारांश मैं पेश करता हूँ. क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण से पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण और आइसोमर्स नियॉन 21 थे. क्रिएशन के दौरान साकार सरगुण ब्राह्मण का पतन हुआ, जो नियॉन 21-22 पे है और जिसमें रोशनी है, और उसके बाद ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है. थर्ड स्टेज क्रिएशन के बाद रोशनी से, प्रकाश मात्र से, जो एफलजन से पांच भूतों का अनुमान हुआ था और उनके ग्रॉस जो सटल, सूक्ष्म और स्थूल फॉर्म के आधार पे सृष्टि की सारी चीजें बनी हैं, और वो सारी की सारी चीजें पीरियडिक टेबल में देखी जा सकती हैं, जैसे मैंने दिखाया हुआ है. सो क्रिएशन से पहले नियॉन 21 था, क्रिएशन के दौरान नियॉन 22 आ गया है, और क्रिएशन के बाद नियॉन 20 और बाकी सारे एलिमेंट बने हैं, जिससे सारी सृष्टि का थे. सृष्टि से पहले अंधकार था, सृष्टि के दौरान रजस था, और उसके बाद सात्विक ने अपना शक्ल ले लिया है, और जो तमस, रजस और सात्विक के आधार पे हम पूरी सृष्टि को देख सकते हैं. और जब तीनों त्रिकों को देखेंगे तो ही हमें सृष्टि का हर पार्ट को समझने का, जानने का, पहचानने का, और उसमें अखंडता लाकर अपने आप में परिवर्तन करके कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं. यही काम अखंड विद्याश्रम का है, यही मैं कर रहा हूं. अब जैसे मैंने बताया है कि आदि पराशक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, उसे 18 वायु दिखाए हैं, जिसके सेंटर में दो पार्ट हैं, एक तरफ 8 है, दूसरे तरफ 8. ये तीनों चीजें आप ट्रिनिटी जो सेंटर नीचे के पिक्चर में देख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में है, और साथ में उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से भी जाना जाता है. ये ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है. निरंकार को साकार करके माता के माध्यम से जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और आर्गन 40 या आर्गन 36 सिंबल से सृष्टि को कैसे साइंटिफिकली तरीके, मैथमेटिकली कंक्लूसिव तरीके से देख सकते हैं, ये पहला अनुमान जो अखंड विद्याश्रम का है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. अनुविद्या, अनु मीन एटम, जो सबसे छोटा है, और उसी के आधार पर रसायन विद्या या नॉलेज ऑफ एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल्स, टिश्यूज, 10 ऑर्गन सिस्टम्स और ह्यूमन बॉडी और सारे ऑर्गेनिज्म उसी से बने हुए हैं. और उसके जो आधार हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और मॉलिब्डेनम. ये वो एलिमेंट हैं कुदरत के, जिन्होंने इंसान में या सृष्टि में, चाहे वो मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, से अखंड पुरुष तक इनका सत उपयोग किया गया है. यही साइंस ने भी बताया है. वही चीज़ हमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब के बीच में हीलियम 4 ह्यूमन सोल बन जाता है. तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जब 118 जो ऑर्गन दिखाए गए हैं, जाने जाने तक पहचाने जाते हैं, उनमें से कम 10, 20, 22 प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा है. कुछ पहले शख्स के हैं, कुछ दूसरे के हैं, कुछ तीसरे के हैं, कुछ चौथे लेवल के हैं. जैसे सृष्टि को निर्माण के लिए हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को पहले दिखाया था, तो मैंने बता दिया है. उसके बाद नाइट्रोजन को लाकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को बनाया गया है,
उसके बाद सृष्टि और बड़ी है, और चलते चलते बाकी ऑर्गन कौन कौन से हिस्से से हिस्सा ले रहे हैं हम वही दिखाने की कोशिश करेंगे। उसी को मैं अणुविद्या या रसायन विद्या कह सकता हूँ। अब कुदरत ने ये सब बनाने के बाद सृष्टि में रखा था और उनका नीचे जो लाया गया है, इस ज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अखंडता को वेदों में और उपनिषद में बड़ी खूबी से दिखाया गया है। अब लोगों को समझ नहीं आती कि वेद महान है, मगर उसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, देवी देवता हैं, वो हकीकत में कुदरत के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम एलिमेंट्स हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं, या कंसेप्ट्स हैं जिससे सृष्टि बनी है। जब तक कि हम इन प्रोडक्ट को 33 करोड़ देवता देवी देवताओं को नहीं समझेंगे, हम अपने आप में भी संपूर्णता नहीं ला सकते हैं। ये विचारधारा नहीं है, वो ज्ञान है जो ऋषियों ने डायरेक्टली सृष्टि से देकर अपने अंदर महसूस करके दुनिया के सामने पेश किया है, और हर कंसेप्ट को उसी चीज को जानकर पहचान कर उसे दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे इंद्र है, किंग ऑफ गॉड, वो पानी है और रेन देवता है, और उन्होंने ही सृष्टि के हर चीज को नीचे गिराकर माँ भूर पृथ्वी और समुद्र में डाला था, और थंडर लाइटनिंग और रेन के आधार से जिस सब चीजों को उसे से नीचे ओशन तक लाया गया था, और बायोलॉजिकल लाइफ जितनी भी जो जिंदगी बनी चीजें हैं जो माँ भूमि पे हैं, वो सब ओशन के गर्म पानी से शुरू हुई थी, उनकी सारी जरूरतें गर्म पानी से आई थी, और यूनिसेल ऑर्गेनिज्म ने सारी चीजें उन्हीं में डाल दी थी। अब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ने वही ओशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फैब्रिक से हम अंदर लाया है। यही ज्ञान साइंस ने दिखाया है, और यही ज्ञान वेद उपनिषद में भी पाया जाता है। और जो प्रोसेस ऑफ राइजिंग एलिमेंट, और जो समुद्र से जो इन चीजों को निकाला था और कैसे वो निकले थे, वो ज्ञान सागर मंथन में या समुद्र मंथन में या चर्निंग का प्राइमेटल ओकेशन में दुनिया को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। सागर मंथन द चर्निंग का प्राइमेटल ओकेशन, इसकी कहानी ये है कि सृष्टि के निर्माण के बाद देवी देवी देवताओं देव गौर और डेमन्स सृष्टि दोनों ने जुड़कर एक निर्णय लिया कि हमें अमृत चाहिए, इमॉर्टल नेक्टर चाहिए, पानी चाहिए, ओशन से चाहिए, जिसके आधार पर हम हमेशा हमेशा के लिए जी सकें, इच्छा मृत्यु वरदान को पा सकें, और उसके लिए मेरु डंडा या वर्टिकल कॉलम जो है उसमें एक स्नेक वासुकी का डाला गया था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे, और उनके आधार पर उसे चरनी शुरू किया था। चरनी करते करते काफी चीजें जो उभर के आई हैं उसे ही सागर मंथन या समुद्र मंथन या चरनिंग ओशन में कहा जाता है। मगर इस पिक्चर को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, इस पिक्चर में मेरु डंडा जो बीच में है, जिसको चरनी से वो ओशन को में से सब कुछ निकालना चाहते थे, उसके नीचे आप टॉरटाइस या कुर्मा अवतार को देख सकते हैं, जो विष्णु का सेकंड अवतार है। जो पहला है वो फिश है, दूसरा कुर्मा है। कुर्मा ने ही सपूरी फाउंडेशन देकर उसमें से चरनी की है। अब लोगों को ये समझने थे कुर्मा का क्यों इस्तेमाल, कुर्मा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल पावर या ओजस और तेजस के साथ जुड़ा हुआ है, और उस एनर्जी के आधार पर ही मनुष्य जरूरत से ज्यादा ओजस निकालकर उसे तेजस में बदलकर उसके माध्यम से पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आधार सेक्सुअल एनर्जी, ओजस और पूरे हार्मोन के आधार पे होना चाहिए। वही चीजें आप मूलाधार चक्र, सात्विक और मणिपुरा चक्र या नाभि चक्र में देख सकते हैं। अब आगे चलते, दूसरी जो पिक्चर है जो सृष्टियों ने पहली बनाई थी, उसमें ये कहा था कि सागर का मंथन करते करते
आप देख सकते हैं कि एक तरफ दानव है, एक तरफ ईश्वर है, और जो चलते चलते इसमें से 14 चीजें उभर के आई थी। जैसे इस पिक्चर में आप 14 चीजें ऊपर से देखते हैं, जैसे ऊपर से देखते हैं हलाहल, वो पॉइजन है जो अंदर से निकला था। चंद्र भी वहां से निकला था और कुंभ भी वहां से है, लक्ष्मी भी वहां से है, शंख भी वहां से है, धनवंतरी भी वहां से है, सात सुरों का वाले हमारे हाथी जी हैं, रंबा गंबा है, लक्ष्मी है, कामधेनु है, और सात सालों वाले देवी हैं, सूर्य है, और साथ में अमृत है, और कामधेनु है, और धनुष्मान है। ये जो 14 चीजें बहुत माननीय रखते हैं, इसमें जो साइंटिफिक तरीके से हमारे के लिए जरूरी है, इस विषय में मैं उन 5-6 चीजों का ही वर्णन करूंगा जो केमिस्ट्री के साथ, अनुविद्या के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला वर्णन गॉडेस लक्ष्मी का है। जैसे मैंने कहा था, प्रेशियस मेटल्स जो इंपॉर्टेंट हैं इंसान के लिए, सृष्टि के लिए, सारी जीव जीवों के लिए है, वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ये तीनों चीजें अमूल्य हैं, इनकी कीमत है, इनका आधार सृष्टि के निर्माण और शक्ति में बहुत हिस्सेदार है। इसे आयुर्वेद में गोल्ड को भी, सिल्वर को भी, कॉपर को अपनी छोटी मात्रा में हिस्सा किया ताकि इसमें इंसान की शक्ति बढ़ जाए। गॉडेस लक्ष्मी सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे से जुड़ी हुई वो सब शक्ति है जिसके आधार पे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमें माता लक्ष्मी को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और पैसे से ही चीजें खरीदी जा सकती हैं, उसके आधार पे ही हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट अमूल्य शक्ति जो है वो गॉडेस लक्ष्मी ही है, जिसे समुद्र से ही निकाला गया था। और दूसरी जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, वो अपने आप में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मसल्स और काम एक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी इसे ही बताने वाले हैं। और हीलिंग मेटल में जिंक आती है, वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक को भी वहीं से निकाला गया था। और जो कैटलिस्ट है, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मोलिब्डेनम है, उनका हिस्सा है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और पोटेशियम, अपनी जगह है। और इन सब चीजों को या ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए सृष्टि की हर चीज बनी हुई है। यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि चाहे वो हीलियम एक है या हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन डाल दें, उससे ही सारे पदार्थ बनकर एक एक करके उसको कैसे चलाना है, कैसे करना है, और सृष्टि का कैसे निर्माण है, ये सारे का सारा ज्ञान वेदों में बड़ी खूबसूरती से दिखाया है, और खास करके इस पिक्चर में बड़ी साफी से दिखाया गया है। वो पहला विषय है जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि गॉडेस लक्ष्मी, पैसा बहुत जरूरी है, इसे अंदाज करना गलत है, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो जो भी लोग पैसे के पीछे लगे हैं जब करने हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं भी आज कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं पूछता हूँ, मगर मुझे पैसे खुद ब खुद मिल जाते हैं, क्योंकि मैं सरस्वती के पीछे हूँ। मेरा पहला विचारधारा गॉडेस सरस्वती है, लक्ष्मी है, जिसमें अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता को देखा है। जब मैं वो दुनिया को दे सकता हूँ जो दुनिया को चाहिए, अगर मैं पैसे ना भी, वो मुझे हर चीज दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको मिला है जो किसी से नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से सरस्वती सबसे पहले है, दूसरी लक्ष्मी है, तीसरी माँ पार्वती कहिए या काली कहिए या दुर्गा कहिए या सरस्वती आदि पराशक्ति कहिए या हीलियम कहिए या गॉडेस गायत्री कहिए, इन सब शक्तियों का अपना अपना रोल है, अपना हिस्सा है, वो सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं शिव जी को भी जानता हूँ, ब्रह्मा जी को भी जानता हूँ, विष्णु जी को भी जानता है, क्योंकि वो तीन हिस्सों के ही हम बने हैं। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो मुझे लॉर्ड ब्रह्मा की 22/21 को भी जानना है, और दिस
विष्णु भगवान के 10 अवतार जतन स्टेज डेवलपमेंट को भी जानना है और अंतिम को भी जानना है। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जानना है, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली को भी जानना है, मुझे गायत्री को भी जानना है, अदिति को भी जानी, आदि शक्ति को भी जानना है। जब ये सब चीजों को मैं जान लूंगा तो ही मैं अपने आप में वो संपूर्णता ला सकता हूँ। वही चीज मैंने करके दुनिया को दिव्यंग दिया है कि दिव्यंग मैथमेटिकल डिजाइन में वेदों का पूरा सारांश और उपनिषद का सारांश और पुराणों का सारांश है। जिसने वो साइंस समझी है वो स्पिरिचुअलिटी को समझ जाए, मगर साइंस में मैथमेटिकल डिजाइन का होना जरूरी है। जब तक कि मैथमेटिक कंक्लूसिव डिजाइन नहीं है वो साइंस नहीं है। साइंस के पीछे मैथमेटिक कंक्लूशन है। सृष्टि का निर्माण भी मैथ से हुआ है। ये दोनों जानने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देवी देवताओं के बारे में मैंने कह दिया। और दूसरी चीज, अगर हमें सुरक्षित रहना है, कुदरत ने हम इंसान के लिए, जान जानवरों के लिए, सबके लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं। हर इंसान की पूरी जरूरतें कुदरत में ही हैं। कुदरत ही हमारे हमें अच्छे तरीके से रख सकता है। ये पूरा ज्ञान जो प्लांट किंगडम का है वही धन्वंतरी के माध्यम से या इंडियन फिजिशियन के माध्यम से दुनिया को दिखाया गया है कि हम आयुर्वेद को समझकर, तमस रजस को समझकर, सात्विकता को समझकर, निर्गुण निर्गुण ब्राह्मण को समझकर, और कौन सी चीजें खानी है, किस चीज में खानी है, ये ज्ञान जानवरों को जरूरत नहीं पड़ती है। उनको पता है कि मेरी जिस समस्या है तो वही चीज खाएंगे जो उनके लिए जरूरी है, दूसरी चीज नहीं खाते। मगर हम कुदरत से इतने बड़ा क्या है कि वो पता भी नहीं है। मगर जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ उसे खुद पता चल गया मेरे में क्या कमी है, क्या ज्यादा है। उसको आधार बना के, निराकार बना के, निर्गुण तरीके से बना सकता है, जिसके आधार पर वो कभी बीमार भी नहीं होगा, किसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही है। और इसी चीज को जानकर मैंने देखा कि हम ह्यूमन बींग्स फ्रूगल हमें उतना ही खाना चाहिए जो उतनी जरूरत है, वो भी ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल के आधार पे होना चाहिए। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए वैसे बर्ड उठ सकते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी उठकर कुदरत के साथ जुड़ सकता है। ये भी बड़ी खूबी से इन सब कहानियों में नजर आता है। और परसेंटेज ऑफ सॉलिड फूड 38.1966% है। यही दिव्यंग कहने की कोशिश कर रहा है, कंज्यूम फूड इन स्मॉल डोजेस नॉट इन लार्ज अमाउंट। और अखंड विद्याश्रम के हिसाब से कुदरत की हर चीज में क्वालिटीज हैं। छोटी में वो दवाई बन जाती है और बड़ी में वही चीज पॉइजन बन जाती है। तो इतना लीजिए कि वो दवाई की तरह रहे जितनी आवश्यकता है, जिससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जिसने वो समझ लिया वो अपने आप में खुद अपने आप में एक फिजिशियन बन जाएगा। और हर इंसान को अपने को स्वस्थ रखने के लिए, आगे के लिए खुद फिजिशियन बनना पड़ेगा। जो हमारा ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अखंडता उठती है, सरस्वती उठती है, लक्ष्मी उठती है, वो सारी चीजें आती हैं, पूरा ज्ञान हो जाता है। हम कुदरत की वो चीजें ही खाते हैं जो जरूरत है। हम 100 साल, 2 साल, 500, हजारों साल तक जी सकते हैं। यही मेरा प्रयत्न है कि मैं अपने आप में कैसे वो अखंडता ला सकता हूं। शंख कांच भी कुदरत की बड़ी देन है। इसमें मैंने कैल्शियम सिंबल के बारे में दिखाया है। ये मिनरल किंगडम का आधार है। इसे समुद्र में पैदा किया था, स्नेल्स में पैदा किया था। इसमें भी आप 10 स्टेज डेवलपमेंट देख सकते हैं, जैसे ऊपर का सिंबल है। और उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यंग रेशो में है। ये भी अपने आप में खूबी है, ये भी कुदरत की देन है। इसलिए शंख को भी हम बहुत मान्यता देते हैं। और शंख, असली शंख जो है ऊपर वाला है, जब उसे जलाएं उसमें जो ध्वनि निकलनी चाहिए वो ओम होनी चाहिए। ओम में भी आ यू म, आकारा युकारा मकारा और तुरिया शब्द निकलते हैं। उससे ही हमारी सृष्टि को जानने का मौका, क्योंकि सृष्टि की जो आवाज है सूर्य भगवान से है, सृष्टि से है, वो आज भी ओम ही है और कुछ नहीं है। ये मॉडर्न साइंस ने भी दिखा दिया है। कामधेनु इंडियन काउ को भी से निकला था। और मेरा मानना है शी वॉज गिफ्टेड टू ब्रह्म ऋषि विशिष्ट। और काउ डंग
में 61.834% मीथेन है, जिसमें आप गोबर गैस के में फ्यूल बना सकते हैं, इस्तेमाल किया गया है, जो साइंस ने भी दिखा दिया है। और गाय का दूध माँ की दूध की तरह है, और माँ कामधेनु की माँ भी एक आश्रम में सबके लिए बेनेवोलेंट है, क्योंकि वो माँ की तरह से देखती है, उसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, जिनाई है उस, वो भी एक देने के योग्य है। ये चीज़ें भी मैंने कामधेनु से ही सीखी हैं कि इंसान को अगर अच्छा बनना है उसे सिर्फ गिव गिव एंड फॉरगिव, देना देना ही सीखना है, लेने की जरूरत ना पड़े, वही कामधेनु। कल्प वृक्ष अगले स्टेज में है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य भगवान की रोशनी में और ऑक्सीजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इस्तेमाल किया गया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आगे ही प्लांट किंगडम में सारे पदार्थों का प्लांट, वो सेकंड स्टेज है, जिसमें ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, और सृष्टि की हर चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरत है वो सब कल्प वृक्ष में या सिलिशिट ट्री में ही दी गई हैं। ये भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है, जब जब समझ लिया तो समझिए मैं सृष्टि को जानता हूँ, तो इसके आधार पे कैसे है ये हम अगले वीडियोस में समझाने की कोशिश। अमृत पे आज तक सवाल, और मेरा मानना है कि कैलाश में भी पानी है, अमरनाथ में भी पानी है, और वही पानी ही अमृत है, ये भी मैं अगले वीडियो में दिखाना चाहूँगा, और उसका मात्र 61.803% है, वो दिव्यंकर ईशो का ही है। ये अमृत कैसे नीचे आया है, गंगा जी कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये कहानी भी मैं समझाने की कोशिश। नीलकंठ द ब्लू थ्रोट आई भी एक ऐसी कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि जब सृष्टि का मंथन हो रहा था तो पॉइजन या हला हला निकला था, जिससे सब मर रहे थे, और सब माते को देख सब ने श्री भगवान कहा कि आप ही इसको पी सकते हैं, इसको अमृत बना सकते हैं और हम सब बच जाएंगे। फिर उन्होंने पिया था, जब पीते पीते माता पार्वती जो गॉडेस पार्वती ने एक स्नेक उनके गले में डाल दिया था, और उसके बाद उनकी जो थ्रोट है जो कंठ है वो नीला हो गया था, इसे नीलकंठ कहा जाता है। जिसके से क्या साइंस है क्या साइंस नहीं है, ये भी एक आधार है जो मैंने दिखाया है कि इसमें एलिमेंट 53 जो आयोडीन है जो हेलोजन के साथ जुड़ा है, जो लास्ट बट वन है, चाहे वो फ्लोराइड है, चाहे वो क्लोराइड है, चाहे वो ब्रोमाइड है या आयोडीन है, उसका अपना ही रोल है, वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है, और इसे एलेबरेट से एक और वीडियो में पूरी डिटेल में समझे इसके पीछे कितनी साइंस है, वो हर इंसान के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आयोडीन के बिना हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, यही दूसरों को मारती भी हैं, वो कहानी भी मैंने दिखाई हुई है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। बाकी हम इन चीजों को एक एक करके समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।